व्यक्ति की सफलता केवल उसकी नहीं होती। एक व्यक्ति का कठिन परिश्रम सिर्फ उसे ही लाभ नहीं देता, उसकी सफलता और परिश्रम असंख्य लोगों के लिए सहायता, प्रेरणा और जीवन का स्रोत बन जाता है। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। DLA Honours 2019 सिटीजन ऑफ द ईयर से सम्मानित किए जा रहे मथुरा के GLA विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नारायण दास अग्रवाल पर अहमद फराज का ये शेर सटीक बैठता है। नारायण दास जी आज अपने काम से संतुष्ट तो हैं, लेकिन वो मानते हैं कि उनका सफर अभी जारी है। नारायण दास जी ने न सिर्फ हजारों लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा दी है, बल्कि उन्हें समाज में सिर उठाकर चलने का गौरव भी प्रदान किया है। एक सामान्य परिवार से एक प्रमुख विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तक, और कभी अपनी जरूरतें तक पूरी ना कर सकने वाले इंसान से हजारों लोगों का सहारा बनने तक की उनकी कहानी भावुक करती है तो मन में विश्वास भी जगाती है। ये सच है कि सोच जब पत्थरों से टकराने की हो तो पथरीले पथ की चिंता नहीं करनी चाहिए। बात जब मजलूमों या जरूरतमंदों की आती है तो वो फीस को पूर्ण या आंशिक रूप से खत्म करने में नहीं हिचकते। नारायण दास खुद कहते हैं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। वो मानते हैं कि जो हो चुका है उससे बहुत अच्छा होने वाला है। असफलताओं ने उन्हें हर बार और ज्यादा मजबूत ही किया। 23 जनवरी 1954 को वृंदावन के एक सामान्य परिवार में अपने 3 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटे नारायण दास पिता स्वर्गीय गणेशी लाल अग्रवाल और माता गोदावरी देवी के घर जन्मे। पिता के कपड़ा व्यवसाय से किसी तरह घर चलाने लायक आमद हो जाती थी, लेकिन उससे किसी की सहायता करना तो दूर की बात, कभी कभी आवश्यक सुविधाओं को पूरा करने के लिए भी सोचना पड़ता था। ऐसे में कुछ बड़ा सोचने की अनुमति उनकी परिस्थितियां उन्हें नहीं देती थी। बालक नारायण दास की शिक्षा दीक्षा वृंदावन में ही हुई। अपनी कक्षा में उनका अग्रणी होना उन्हें अध्यापकों का प्रिय बना चुका था, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के चलते वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। व्यवस्थित शिक्षा से दूर रहकर भी नारायण दास व्यवहारिक एवं अनुभव जन्य शिक्षा की खान बनते चले गए। उनके व्यक्तित्व ने हमेशा उनमें कुछ नया जोड़ा और उन्होंने हर नई चीज को शिक्षा प्राप्त करने का एक अवसर मानकर स्वीकार किया। कठिन समय से लड़कर नारायण दास जी ने अपने बड़े भाई भगवान दास के साथ 1972 में सर्राफा का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने अपनी लगन और सूझबूझ से इस व्यापार में अच्छा नाम बना लिया। 14 वर्ष बाद 1986 में कठिन परीक्षा की घड़ी आई। चांदी के अत्यंत अस्थायी हुए भाव ने सर्राफा कारोबार लगभग ठप कर दिया था। 3 महीने तक व्यापार न होने के कारण नारायण दास जी को छोटे स्तर पर लकड़ी बेचने का व्यवसाय करना पड़ा, लेकिन हार न मानने वाले इस युवा उद्यमी ने सर्राफा व्यवसाय में जोरदार वापसी की और अगले 4 वर्षों तक सफलतापूर्वक इसी दिशा में लगे रहे। अपने जीवन के इस पड़ाव पर नारायण दास जी ने रियल एस्टेट के व्यवसाय में प्रयास शुरू किए और बहुत ही कम समय में उनके उत्साह और लक्ष्य को पाने की सोच ने उनको सफलता प्रदान की। अपनी शिक्षा पूर्ण ना होने के गम ने उनके दिल में जो बीज बोया था, अब उसके पनपने का समय आ चुका था। वो मनी मन एक ऐसा शिक्षण संस्थान खोलने की परियोजना तैयार करने लगे जो मूल्यों को व्यापार से ऊपर रख सके। इस ओर वो कदम बढ़ा पाते कि 1995 में व्यापारियों का नेतृत्व करते हुए वो जेल भेज दिए गए। उन्होंने उन नियमों को मानने से मना कर दिया था जो ईमानदारी और सत्य निष्ठा को ताक पर रखकर बनाए गए थे। नतीजतन इस साहसी और लोकप्रिय व्यापारी नेता को 10 दिन में जेल से रिहा करना पड़ा था। 1998 में नारायण दास अग्रवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने सपनों को साकार रूप देने की योजना पर काम की शुरुआत की और GLA इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को अस्तित्व में ले आए। यहाँ इंजीनियरिंग और प्रबंधन समेत कई अन्य विषयों में शिक्षा दीक्षा शुरू की गई। सिर्फ 10 वर्षों के अंदर ही अपने शिक्षा स्तर को बेहतर व और मजबूत करते हुए ये इंस्टीट्यूट उच्चतम संस्थानों की श्रेणी में शामिल हो गया और अगले 2 वर्षों में GLA विश्वविद्यालय का रूप लेकर नारायण दास जी के सपने को साकार रूप दे चुका था। व्यवसाय और शिक्षण संस्थान के संचालन में पुत्र नीरज अग्रवाल और विवेक अग्रवाल अब नारायण दास जी की सहायता करते हैं।
नारायण दास जी के संघर्ष में उनकी धर्मपत्नी मंजूलता निरंतर सहयोगी रहीं। उनकी बहुएं नीरज की पत्नी इंदु तथा विवेक की पत्नी प्रीति भी व्यवसाय व विश्वविद्यालय के संचालन में हाथ बटाती हैं। उनकी बेटी छाया वैसे तो सूरत में अपने पति कन्हैया अग्रवाल के साथ रहती हैं, लेकिन पिता के संघर्ष में उनका भी साथ और समर्थन कम ना था। आज भी पिछले 4 वर्षों से रियल एस्टेट में मंदी के चलते आर्थिक परेशानियों से निरंतर संघर्ष जारी है। नारायण दास कहते हैं कि संघर्ष ना तो खत्म हुआ है और ना ही खत्म होगा। ये संघर्ष लाखों लोगों के लिए एक जीवंत उदाहरण है, जो ये बताता है कि जब आप एक दृढ़ निश्चय के साथ निकल पड़ते हैं तो काम पूरा हो ही जाता है। नेतृत्व के बारे में नारायण दास जी कहते हैं कि उनमें अगर कोई योग्यता है तो वो है लोगों को साथ लेकर चलना। यही कारण है कि 11 लोगों का ये परिवार, जिनमें नारायण दास के 2 नाती देव, हेमांग और 3 नातिने राधिका, नंदिनी और वृंदा भी उनकी सहयोगी हैं। इस विभूति को सिटीजन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान करते हुए डीएलए परिवार ईश्वर से उन्हें और ऊर्जा प्रदान करने की प्रार्थना करता है।